अगली बड़ी खबर आपको बताते चले, कांग्रेस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का हमला। सत्ता में रहते कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया, कांग्रेस ने देश में जाति जनगणना भी नहीं कराई। और देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, जनगणना की आड़ में कांग्रेस का सत्ता में आने का सपना, कांग्रेस के नाटक से सचेत रहें, ये मायावती ने कहा है। तो देखिए, अभी राहुल गांधी ने इसे लेकर एक स्टेटमेंट भी दिया। राहुल गांधी इस वक्त विदेश के दौरे पर हैं और आरक्षण खत्म करने का अभी समय नहीं है। राहुल गांधी ने कहा था, कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब समय सही होगा। जब आप वित्तीय आंकड़ों को देखते हैं तो आदिवासी को 100 रुपए में से 10 पैसे मिलते हैं, दलितों को 100 रुपए में से 5 रुपए मिलते हैं और ओबीसी को भी लगभग इतनी ही रकम मिलती है। और देखिए, जातिगत जनगणना जरूरी है, ये भी स्टेटमेंट राहुल गांधी की तरफ से दिया गया है विदेशी मंच से। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के स्पीच की अगर बात करें तो इसका भी जिक्र किया गया। और देखिए, कांग्रेस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने निशाना साधा है। सत्ता में रहते कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया, कांग्रेस ने देश में जातीय जनगणना भी नहीं कराई।